Hi everyone, welcome to Easy Engineering Classes. Computer Organization and Architecture में आज हम Data Lines और Address Lines को डिटेल में पढ़ेंगे. पिछली क्लास में हमने एक ओवरव्यू देखा था सिस्टम बस का और क्या क्या सब कॉम्पोनेंट्स होते हैं सिस्टम बस के. उसमें से डेटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स थे. तो उन्हीं को अब डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ताकि आपको एक कम्प्लीट बस स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर समझ आ सके दैट इज कंटेन्ड विद इन एनी कंप्यूटर सिस्टम. ठीक है, सो डेटा लाइन्स से स्टार्ट करते हैं. डेटा लाइन्स का क्या पर्पस होता है? दे प्रोवाइड अ पाथ फॉर मूविंग डेटा अमंग द सिस्टम मॉड्यूल्स. जब भी किसी भी दो कॉम्पोनेंट्स के बीच में डेटा को हमें मूव करना है, चाहे वो प्रोसेसर से मेमोरी हो, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से प्रोसेसर हो या आईओ डिवाइस से मेमोरी हो, ठीक है, इन सब केसेस में जब भी डेटा मूव करना है तो सिर्फ हम डेटा लाइन्स का यूज करेंगे. और इन लाइन्स को कलेक्टिवली हम क्या रेफर करते हैं? एज द डेटा बस, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. अगर n नंबर ऑफ लाइन्स हैं जो कि सिर्फ डेटा मूव करने का पर्पस सॉल्व कर रही हैं, तो उन n लाइन्स को कलेक्टिवली मैं डेटा बस कहती हूं या कहूंगी. ठीक है, अब द नंबर ऑफ लाइन्स इन द डेटा बस इज रेफर्ड टू एज द विड्थ ऑफ द बस. सो द नंबर ऑफ लाइन्स इन द डेटा बस is called the width of the bus. ठीक है, width of the data bus. जितनी ज्यादा lines उतनी ज्यादा width. अब width क्या fixed width होती है सारे cases में या सारे systems में, या फिर एक variation होती है width of the database में? So this width is very much dependent on the way the system has been developed. ये width 16 lines भी हो सकती है, यानी अगर data के लिए 16 lines, dedicated lines है move करने के लिए, या फिर 32 हो सकती है width, 64, 128 और more. ठीक है, सो इट इज नथिंग फिक्स्ड अबाउट द विड्थ ऑफ द डेटा बस दैट इज कंटेन्ड विद इन द कंप्यूटर सिस्टम्स दीज डेज. सो दिस लेंथ इज वेरिएबल, दिस विड्थ इज वेरिएबल. ठीक है, लेकिन चाहे कितनी भी विड्थ हो, हर लाइन एक बार में एक ही बिट कैरी करेगी, और जब डेटा ट्रांसफर होगा थ्रू दीज लाइन्स तो वो पैरेलली ट्रांसफर होगा. सो द नंबर ऑफ लाइन्स डिटरमाइन हाउ मेनी बिट्स कैन बी ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम. ठीक है, तो विड्थ इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द परफॉर्मेंस. ओके, इट इज ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है विड्थ ऑफ द डेटा बस से. और ये क्यों होती है? क्योंकि अगर आपकी विड्थ, डेटा बस की विड्थ ज्यादा है, तो आप ज्यादा डेटा एक बार में ट्रांसमिट कर सकते हैं, ज्यादा लेंथ ऑफ डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं. और अगर ज्यादा डेटा आप ट्रांसमिट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ऑपरेशन जल्दी परफॉर्म होगा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे एक्सचेंज ऑफ डेटा किसी भी दो मॉड्यूल्स के या कॉम्पोनेंट्स के बीच में हो रहा हो. ठीक है, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नो अबाउट डेटा लाइन्स इज दैट ईच लाइन इन द डेटा बस कैरीज एग्जैक्टली वन बिट एट अ टाइम. एक से ज्यादा बिट नहीं कैरी करेगी. एंड the number of lines, okay, so the number of lines, the total number of lines in the data bus directly determine how many bits can be transmitted parallelly. Or how many bits can be transferred between two modules at the same time, transferred parallelly. All right, and this point is a major criteria in determining this overall system performance. So hum likh sakte hain data bus width determines overall
सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है, ज्यादा बड़ी डेटा बस होगी यानी ज्यादा लाइंस होंगी उसमें तो फास्टर ट्रांसमिशन होगा, ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है. सो अगर सपोज आपका इंस्ट्रक्शन साइज है से 64 बिट्स और आपकी डेटा बस की विड्थ है 32 बिट्स, या फिर आपको एक 64 बिट वर्ड रीड करना है या 64 बिट्स ऑफ डेटा रीड करना है मेमोरी से, लेकिन आपकी डेटा बस की विड्थ है 32 बिट्स, ठीक है, तब उस केस में सीपीयू को दो बार मेमोरी को एक्सेस करना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट डेटा को लेके आए. इसी केस में अगर हमारी डेटा बस विड्थ 64 बिट्स होती तो सिंगल मेमोरी एक्सेस में यानी सिंगल साइकिल में ही हमारा डेटा फेच हो जाता और हमारा काम हो सकता था, और इस केस में फास्टर परफॉर्मेंस होती सिस्टम की क्योंकि सिंगल मेमोरी फेच हो रहा है. मल्टीपल मेमोरी फेच मीन्स मोर टाइम. सी एवरी टाइम यू आर एक्सेसिंग द मेमोरी, हर बार जब आप मेमोरी को रेफर कर रहे हैं या फिर आप रीड राइट कर रहे हैं मेमोरी में या IO मॉड्यूल को एक्सेस कर रहे हैं, जितने ज्यादा इतने ऑपरेशन होंगे उतना टाइम लगना है, विच इज अ डायरेक्ट फिनोमेना, यू नो. सो बेसिकली अगर आपकी बस विड्थ डेटा बस विड्थ ज्यादा है तो फास्टर और बेटर ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस होगी, ठीक है. अब आते हैं एड्रेस लाइंस पे. एड्रेस लाइंस का क्या पर्पस होता है? एड्रेस लाइंस स्पेसिफाई वेयर टू स्टोर और फ्रॉम वेयर टू रिट्रीव द डेटा दैट वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द डेटा बस, ठीक है. सो दीज एड्रेस लाइंस स्पेसिफाई वेयर टू स्टोर द डेटा और from where to retrieve या read the data, and this data that has been specified on the data bus, that's present on the data bus, ठीक है. तो अगर आपको memory में कुछ write करना है तो आप उस डेटा को जिसे मेमोरी में स्टोर करना है डेटा लाइंस पे प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ एड्रेस लाइंस पे आप उस एड्रेस को मेमोरी के उस लोकेशन के एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे जहां पे ये डेटा को राइट करना है, ठीक है. अगर सिमिलरली अगर एक सीपीयू को एक वर्ड रीड करना है मेमोरी से तो उसे सबसे पहले एड्रेस पुट करना होगा एड्रेस लाइंस पे स्पेसिफाई करने के लिए कि मैं यहां से इस मेमोरी लोकेशन से इस एक वर्ड को रीड करना चाहता हूं या फिर इस लोकेशन के कंटेंट्स रीड करना चाहता हूं, और फिर मेमोरी सप्लाई करेगी डेटा ऑन द डेटा लाइंस, ठीक है. अगेन द कलेक्टिवली दीज लाइंस आर नोन एज द एड्रेस बस. सो कलेक्टिवली address lines are known as the address bus, ये मैंने पहले भी बता चुकी हूं. And similarly collection of control lines would be referred to as the control bus. और अब address bus की width क्या determine करेगी, क्या वो भी एक factor होगी system की performance determine करने में? नहीं. Address bus width determines the total number of locations that would be present in the memory, या फिर total memory capacity determine करती है. और ये कैसे determine करती है, मतलब why is it or how is it determining this thing? It is determining because अगर एक set of address lines हमारे पास present है और उस set में suppose n lines है, so n lines means n different bits you can provide, और n bits से हम कितने combinations बना सकते हैं, 2^n. so अगर n की value बड़ी है तो total different combinations 2^n ज्यादा होंगे, और ये 2^n combinations क्या बता रहे हैं, different memory addresses, ठीक है. तो अगर आपके पास 8 lines हैं तो आप 2^8 different addresses
बना सकते हैं और उतनी ही आपके पास मेमोरी कैपेसिटी होगी, उतनी ही साइज की मेमोरी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास n की वैल्यू से है 64, तो 2^64 डिफरेंट एड्रेसेस जब आप बनाओगे या फिर डिफरेंट एड्रेसेस जो रिजल्ट करेंगे, वो हम हर डिफरेंट लोकेशन को, मेमोरी की हर डिफरेंट लोकेशन को असाइन कर सकते हैं, और उस केस में हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ मेमोरी होगी, हायर कैपेसिटी ऑफ मेमोरी होगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट नोट डाउन एंड और यू मस्ट रिमेम्बर दैट द एड्रेस बस विड्थ it determines or okay so it determines the capacity, the memory capacity or what is memory capacity, the total number of possible possible different unique addresses that can be assigned to memory locations, okay, so total number of locations, unique locations, total number of unique addresses and hence the same number of locations, unique addresses or locations, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है रिगार्डिंग द एड्रेस बस इज दैट द सेम एड्रेस लाइन्स कैन बी यूज नॉट ओनली टू रेफर टू द मेमोरी बट ऑल्सो टू रेफर टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। सी, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि आईओ मॉड्यूल्स, एक सिंगल आईओ मॉड्यूल मल्टीपल आईओ डिवाइसेज को कंट्रोल कर सकता है या उस मल्टीपल आईओ डिवाइसेज से कनेक्टेड होता है, ठीक है। उस केस में हमारे पास विद इन एन आईओ मॉड्यूल मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं जिनके थ्रू ये कनेक्शंस पॉसिबल होते हैं। तो अगर हमें उनमें से किसी एक पोर्ट का एड्रेस स्पेसिफाई करना है और किसी पर्टिकुलर डिवाइस को सेलेक्ट करना है फॉर डेटा ट्रांसफर, उस केस में भी हमें एक पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। या तो हम उसके उसके लिए एक सेपरेट एड्रेस लाइंस का सेट बना सकते हैं जो कि सिर्फ आईओ डिवाइसेस के एड्रेसेस को स्पेसिफाई करेगा और मेमोरी के एड्रेसेस को एक अलग सेट ऑफ एड्रेस लाइन स्पेसिफाई करेगा। लेकिन जनरली क्या किया जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग की जाती है, एज इन कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पोर्ट्स के एड्रेसेस को उन्हीं सेम एड्रेस लाइंस पे ट्रांसमिट किया जाता है जो जिन पे, जिन सेट ऑफ लाइंस पे या जिस एड्रेस बस पे मेमोरी के एड्रेसेस को ट्रांसमिट या स्पेसिफाई किया जा रहा है। और ये कैसे पॉसिबल होता है कि डिटरमाइन करना कि ये मेमोरी को रेफर कर रहा है एड्रेस या फिर ये आईओ डिवाइस को रेफर कर रहा है, उसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ बिट्स रिजर्व्ड होती है जो कि बताती है कि ये मेमोरी के एड्रेस को स्पेसिफाई करने की कोशिश की जा रही है या फिर एक इनपुट आउटपुट पोर्ट को, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी मैं एक्सप्लेन करके लिखती हूं आपके सामने। दीज एड्रेस, द सेम एड्रेस लाइंस कैन रेफर, मतलब देयर इज एन ऑप्शन, यू कैन मेक सेपरेट एड्रेस बसेस ऑल्सो, बट दैट वुड बी अ कॉस्टली and a complex option, you know, you handling multiple buses is definitely complex. So the same address lines can refer to IO ports, and how is it possible? See, we can allot high order bits that specify whether it is, whether the address is specified for memory or for IO devices. So designate, what are the options? Designate high order bits to specify the module that we want to access, that we want to access, and by module I mean either memory or input output, and the low order bits, ye to high order bits ho gayi, the low order bits specify what address within that module should be referred for
accessing data. So low order bits specify locations. Either it specifies the location within the memory or it specifies a particular port. Specifies the location within the memory or a particular port. Okay. So, ये कैसे किया जाता है मैं भी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज आपके पास एक एड्रेस है से 0111 दिस, और आपके पास एक एड्रेस है से 1 and 8. ठीक है, दीज बोथ आर 8-bit एड्रेस. अगर मैं इन दोनों एड्रेसेस को एड्रेस लाइन्स पे स्पेसिफाई करूं तो कैसे पता चलेगा, कॉमन एड्रेस बस पे स्पेसिफाई करूं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा एड्रेस आईओ डिवाइसेस को या आईओ पोर्ट्स को रेफर करने के लिए है और कौन सा एड्रेस मेमोरी को रेफर करने के लिए है. सी, हमने एक सिंगल हाई ऑर्डर बिट को असाइन या अलॉट कर दिया है ये स्पेसिफाई करने के लिए. सो आप ऐसे डेजिग्नेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो वो सारे एड्रेसेस जो रिमेनिंग लो ऑर्डर बिट्स फॉलो करती हैं वो स्पेसिफाई कर रहा है अ लोकेशन विद इन द मेमोरी. सो 0 इज एन इंडिकेशन दैट इट इज अ मेमोरी लोकेशन, और वी आर ट्राइंग टू एक्सेस अ लोकेशन विद इन द मेमोरी. एंड द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट डिजिट द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, इट मीन्स वी आर ट्राइंग टू एक्सेस अ पोर्ट हैविंग दिस यूनिक आइडेंटिफायर. ठीक है, तो यहां पे कहां से कहां तक हम मेमोरी को रेफर कर सकते हैं, फ्रॉम 0 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोकेशन एंड गोइंग टिल दिस लोकेशन. और यहां पे हम कहां से पोर्ट्स को रेफर कर सकते हैं, कहां से कहां तक, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू एंड गोइंग टिल दिस हाइएस्ट वैल्यू. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज एड्रेस बस फॉर मल्टीपल पर्पसेस, दैट इज फॉर स्पेसिफाइंग पोर्ट्स ऑल्सो एज वेल एज डिवाइसेज ऑल्सो. सो दिस इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग दैट मे बी चोजन बाय द सिस्टम डिजाइनर और सिस्टम आर्किटेक्चर that has to be provided to the programmer. ठीक है, so I'll be winding up this lecture for today. Next class में हम control lines के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे different types की control lines क्या होती हैं, कैसे control lines को use किया जाता है system के operations को control करने में. ठीक है, if you understood all the concepts in this video, please comment section में mention करिए कि आपको ये video कैसा लगा, क्योंकि आपके comments, likes और feedback हमें ये बताते हैं कि हमारी videos आपके लिए कितनी useful साबित हुई. So that's all. Thank you for watching. Stay tuned to the channel of Easy Engineering Classes. Press the bell icon so that you get the notifications of our latest upcoming videos in future and you do not miss any lecture. That's all. Thank you.